आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया कलेक्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी बात रखी है। जहां ग्राम चंदवार चंदोली निवासी सोनू बैगा दृष्टि बाधित ने बताया कि मुझे किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिसकी शिकायत जन सुनवाई में की गई है। एवं ग्राम पंचायत रायपुर निवासी बिसरती बैगा ने बताया कि चंद्रशेखर शुक्ला, प्रवीण शुक्ला, अमित शुक्ला एवं उनके दो अन्य साथियों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करते हुए मेरे घर को आग के हवाले कर दिया गया है और आरोपियों के द्वारा मेरी जान का खतरा निरंतर बना हुआ है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। वही केवलरी 57 की सेल्समैन ने 6 माह से पेमेंट न मिलने के कारण आज जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष शिकायत की है। एवं ग्राम बड़खेरा निवासी किसान ने बताया कि मैं अपनी धान सोसाइटी में बेचा था, जिसकी राशि आज दिनांक तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। वही चंदिया निवासी कांति प्रधान ने बताया कि मैं गरीब महिला हूं और रहने के लिए घर नहीं है, जहां मुझे आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। इसके पूर्व में भी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में शिकायत की गई थी। एवं ग्राम भरेवा निवासी सुषमा त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों के द्वारा मुझे मानसिक प्रताड़ित करते हुए मारपीट करने की धमकी दी जा रही, जिसकी शिकायत जन सुनवाई में की गई है। एवं जन सुनवाई के दौरान आए हुए लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एवं समस्याओं के निराकरण करने के लिए जन सुनवाई में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वही वीर सिंहपुर पाली गौरिया निवासी लीला सोनी महिला ने जमीन संबंधित मामले को लेकर कलेक्टर के समक्ष जन सुनवाई में शिकायत की है। वही कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने आज जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं से मिली शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है। एसी उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। बिसरती रायपुर वाला रहे वाले झटकती लगा दी सह और ये मही बकर मार पीट कर रखी पप्पू के लड़का दो उठे कम मही मार रखे बकर रखी। मेरा नाम कांति प्रधान है, मैं चंदिया से आई हूँ और जन सुनवाई में आवेदन देने पीएम आवास के में पहले भी दी थी मैं, मतलब 2023 में आवेदन, अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। पीएम आवास नहीं मिला मेरे को और मेरे मोहल्ले में सबको मिला है और घर नहीं रहने के लिए और मैं बहुत परेशान हूँ। बरसात में बहुत दिक्कत होती है, पानी भर जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे पति का नाम है रविवीर बैगा, मैं अपने ससुर के नाम के जमीन में आवास बनाना चाहती हूँ, लेकिन व्यक्ति रोक लगा रहे हैं तो मैं लगवाना चाहती हूँ अपने जमीन को, लेकिन मंगलवार को 13 तारीख को आवेदन देके गए थे कलेक्टर ऑफिस में, तो बोल रहे थे कि एक हफ्ता के अंदर हम काम करवा देंगे, आज एक हफ्ता हो गया लेकिन बालिया चंदिया तहसील है। आये जन सुनवाई में दे थू और 10 बेर गांव थाना तहसील मोर कुछ सुनाई नहीं थी। सही है कि मोर जब वहाँ में जात हूँ तो वही वो मारत जो आवास को 40 साल 45 साल पहले पाए थे इंदिरा गांधी के राज में, वहाँ ये चंद्र प्रकाश आऊ या अभी ये जाके अब मोर नाम में पट्टा बनवा दे, इसमें 10 रोज के लाने वही रहा बता रहा मुख्यमंत्री हो जाना अखर घर बांध रहा हूँ किसा सुखा वही अपन घर बना लाई सब मोर जमीन मोर घर नहीं छोड़े। अब का प्रजापति बोल रही हूँ सर, मेरे पट्टे में 10 फीट सामने लल्लू यादव के घर के सामने वहीं से रास्ता लिखी है, मेरे पट्टे में लिखी है और लल्लू यादव आंगन में टाइल्स लगा लिया है, गेट भी लगा लिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं तो उनको गाली गुफ्ता देती है उसकी घर वाली, उसके लड़के भगाते हैं, दिन भर पोछा लगाते हैं और चारों तरफ से पूरे लैट्रीन के टैंक खुले हैं और गंदा नाला ही मार पड़ जाते हैं और बोलते हैं तो गाली देते हैं। अब मैं क्या करूँ, इसलिए आज हमने जन सुनवाई में कलेक्टर के यहाँ शिकायत की। सुषमा त्रिपाठी भरेवा से और मेरे ससुराल में दामोदर प्रसाद त्रिपाठी के यहाँ बहू हूँ मैं, राम प्रसाद गौतम की लड़की को मारने की धमकी देते हैं जान से। प्रदीप त्रिपाठी मेरे पति हैं और ससुराल से मेरे को शारीरिक मानसिक रूप से तब प्रताड़ित करते हैं
और ससुराल में मेरे को रहने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि अपने मायके जा, अपने बाप के यहाँ रहे। और मैं वहाँ वहीं थी, वहीं रहती भी थी। मैं वहाँ गई तो मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं बार बार, बच्चों को लेकर चार पांच बार गई रहने के लिए, तो मेरे को वहाँ नहीं रहने देते। और उनका सारा सामान वहाँ से निकाल कर चोरी करके ले जा रहे हैं। मेरा नाम लीला सोनी, अब गुराइया ग्राम से आई भाई। मेरा समस्या ये है कि मेरा कोई कहीं सुनवाई नहीं होता, न सरपंच, न पटवारी, न तहसीलदार, कहीं वहाँ का तहसीली में कोई सुनवाई। मेरा जमीन का कागज सर पटवारी इधर से उधर कर दी और दूसरे को ठाकुर को मेरा जमीन दे रही, बाउंड्री है तो पर भी मेरा जमीन दे रही और उनसे खाई है पैसा। अब मेरा काम नहीं कर रही, मेरे को दौड़ा रही, मेरे को कोई चीज का सुविधा नहीं दे रहे, न सरपंच न पटवारी। कागज मेरे सब खसरा में नहीं सुधारी है, खसरा बिगाड़ी है, आधार लिंक नहीं करी है, कंप्यूटर में नहीं चढ़ाई है। मेरा जमीन में खरीदी हुई जमीन है, मेरा पट्टा रिकॉर्ड सब में सेल्समैन कोलारीवन की और लैम्स उमरिया। और मुझे बिना रीजन के प्रबंधक के द्वारा 2022 अक्टूबर में निकाल दिया गया था। मैं 6 महीने ऑफिस में आती जाती रही, पूछती रही कि क्यों नहीं आप मेरे को मतलब दे रहे हैं, वो किस रीजन से निकाला है, बट उन्होंने मुझे रीजन बिल्कुल भी नहीं बताया है। और 6 माह आती जाती रही, मार्च 23 तक मैं जाती आती रही ऑफिस में। उसके बाद उन्होंने मेरी सैलरी भी नहीं बनाई जो मिलता है मुझे मानदेय। तो उसके बाद मैंने अप्रैल में जाके यहाँ पे जन सुनवाई लगवाई थी 2023 में। तो मुझे 1 महीने के अंदर मेरे को अपना जो भी डिपार्टमेंट है वो दे दिया गया मुझे कोलारी संस्थान। अब वो जो पेमेंट है 6 मंथ की वो अभी तक मुझे नहीं मिली है। और प्रशासन ये बोल दिया गया था आप TL हटा लीजिए तो हम दे देंगे, पर वो इतने टाइम हो गया है पर उन्होंने अभी तक मेरा सैलरी मानदेय जो था अभी तक नहीं दिया। मेरा नाम धनीराम यादव, उधरी का रहने वाला हूँ। इनके पेंशन को 2 वर्ष से रोका है और रोकने के बाद अपने कियोक्स बैंक में खाता खुलाया है स्वयं का और पैसा डाल करके वही निकाल लेता है। शिकायत आज हम जन सुनवाई में मैं बात चुका हूँ, इसका नक्शा भी है, सब पूरा रिपोर्ट दी है। सरकारी रोड है, 519 नंबर RI DK सिंह साहब लिख दिए कि 519 नंबर सरकारी रोड है, तब परवीन ठाकुर लोग बनने नहीं देते हैं, आधे बना दिए हैं आधे छोड़ दिए, इसलिए मैं जन सुनवाई में यहाँ शिकायत करने आया। सर मेरा नाम वंशराकन सिंह राठौर है, ग्राम मुंडा पुल का केसी उमरिया। हमारे जमीन में जबरन घर बनाते हैं, ये जो हमारे ग्राम पंचायत मुंडा के मनबोध सिंह हैं सचिव सब यही काम करते हैं, उनकी कोई संपत्ति नहीं, वहाँ पास जबरदस्ती फोटो वोटो खींच के। मेरा नाम रोहित पापड़ है, ग्राम बरखेरा पोस्ट ओबरा थाना चंदिया का निवासी हूँ। मैं खराब केंद्रा सोसाइटी में धान बेचा था जिसकी रात अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं हुई। 27/12/2023 को मैंने बेचा था और मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। और श्रीमान कलेक्टर महोदय की आप शिकायत। नरोजाबाद वार्ड नंबर 2 का हूँ और मेरी समस्या ये है कि मेरा ठेकेदार मतलब EPF मेरा मतलब रोक लिया है और मेरे को मतलब काफ़ी मतलब परेशान कर रहा है 1.5 महीने से और मैं मतलब लगातार परेशान हूँ, मतलब गाली गलौज भी मतलब देख के रखा हुआ है। अपनी मतलब समस्या को लेके मतलब जन सुनवाई में मतलब कलेक्टर साहब का सहायक क्यों था बांधवगढ़ तहसील में व्यर्थ पद पर काम करता था। नायब तहसीलदार मेरे को बोले कि मेरे घर का बर्तन माजो, घर का काम करो, बच्चा लड़का खिलाओ, मैं ना ही कर दिया। तो एक किसान से बोले 300 रुपये ला के देने के लिए किस नायब साहब को दिए देने के लिए दे गया था, तो उसी का मेरे ऊपर आरोप लगाए और जब्ती करा के मेरे ऊपर केस कर दिए टर्मिनेट कर दिए। फिर मैं हाई कोर्ट में अपील किया तो अपील सिर्फ मेरे पक्ष में ही माने कागज आ गया है, अब उसी में दौड़ रहा हूँ। मेरा नाम सोनू बैगा है, मैं ग्राम चंदवार का रहने वाला हूँ। मेरे को आवास नहीं, अभी तक लिस्ट में नाम भी मतलब सब चीज़ दिया हूँ, साथ में सबके फॉर्म भी भरवाया हूँ, उसके बावजूद भी सबका नाम आ गया है लेकिन मेरा अभी तक भी नाम भी नहीं आया है। और
सरकारी योजनाओं का लाभ पेंशन सिर्फ मिलता है और पेंशन के सिवाय अभी कोई लाभ नहीं है। इस श्रीमान जी मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम मुझे रहने के लिए मकान को दिलवाया है। दोनों आँखों से ब्लाइंड हूँ और मेरे आगे पीछे रहने के लिए भी कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पास में एक लड़की है, वो भी 5 साल की है, 4 साल की, 4.5 साल की। इसलिए सर जी मुझ गरीब को रहने के लिए मकान रखा और योजनाओं का लाभ।